लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनीषा की दिशा में और मैं हूं मनीषा। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। गाइस चलिए आज हम बनाते हैं लहसुनी पालक। लहसुनी पालक खाने में बहुत यम्मी होता है पूरी पराठे या फिर फुलके के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये लहसुनी पालक की रेसिपी। तो लहसुनी पालक बनाने के लिए हम पालक को कट करके अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद फिर हम उसका प्यूरी बनाएंगे। तो हमने ऑन कर दिया है और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो गया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे बंद कर देंगे और मैं अब इसका थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, गरम गरम नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका प्यूरी बनाएंगे मिक्सी में डाल के। और इसको अभी ठंडे पानी में निकाल के रख देंगे, निकाल के ठंडे पानी में रख देंगे इसको, निकाल के इसको रख देंगे ठंडे पानी में। इस तरह ये जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हम इस प्याज देख सकते हैं, ये प्याज, एक लहसुन है और ये चिली है, हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल रखा है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा के बाद डालेंगे हम इसमें लहसुन चॉप किया हुआ। अब इसमें डालेंगे हम चॉप किया हुआ प्याज। अब हम इसे हल्का ब्राउन होने तक इस तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये तीखी लाल मिर्च है इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक दो मिनट इसे और हिलाएंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे। हमने जो चिल्ली को कट किया था ये इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें पालक का प्यूरी डालेंगे। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे ढक के 10 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इसे 5 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से ढक कर। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं करना है पानी ऐड, तो पतला हो जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। एक मिनट और पकाएंगे फिर हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। इसी तरह से कवर कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। हमें इस तरह से गाढ़ी उतारनी है। हम इसे इंडक्शन को बंद कर देंगे
और हम इसमें अब तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम लेंगे घी, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हम इसमें डालेंगे अब चॉप किया हुआ गार्लिक और हम इसमें डालेंगे 2 रेड चिली। तो क्या है, अब हम इसे पालक में तड़का लगाएंगे। पालक में अब देख सकते हैं लहसुनी पालक बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती, देखिए कितना यम्मी बना है ये। रोटी पूरी या पराठे के साथ ये बहुत यम्मी लगता है, इसे घर पे जरूर ट्राई करें, जरूर खाएं बनाकर। तो गाइस इस तरीके से आप भी घर पे लहसुनी पालक बनाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।